नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। आज मैं इसका पार्ट टू लेके आया हूँ। ये जो हम भिन्न के क्वेश्चन कर रहे थे पिछले क्लास पार्ट वन में, हमने ये देखा था कि यहाँ पे वन 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 की सीरीज रहती थी पूरी यहाँ तक, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और आज पार्ट टू में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएँ, बीच में थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आ जाए, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था जब यहाँ पे वन वन रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे में 4/5 है, तो हम इसके बदले में लिखते हैं 4 और यहाँ पे लिखते हैं 5। पहला नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे दिख रहा है +1, यहाँ पे दिख रहा है +5, तो राइट साइड से लिखते हैं +1 और +5, ये रहा। पर ध्यान दो आप, यहाँ पे 3 है, 1 रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 3 है तो हमें क्या करना है, 3 से उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। +5 के सामने में 3 है, इसलिए उसके जस्ट नीचे मैंने ऐसा लिखा है। तो हम सॉल्व कैसे करते थे, 5 एकम 5 और 4, 5 और 4 9 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3 और 3 3 9। फिर इसको सॉल्व करोगे, इस 3 को जैसे इसे सॉल्व किया उसी तरह, 3 5 15 15 और +5 कितना हुआ, तो लिखोगे 20। तो इसे मैंने आपको बताया था लिख सकते हैं 20/3, पर हमने जो सॉल्व किया है वो इतने दूर को सॉल्व किया है, अभी ये बटे में है, तो हमें इसे सही करने के लिए पलट कर लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/20, तो ये हमारा राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह से। ये एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को रोकेंगे, उसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे, फिर मैंने जो सॉल्व किया उसे देखेंगे आप। ये हम 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें मैं देखता हूँ यहाँ पे 1/5 है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 1 उसके बाद में 5। फिर आप देखेंगे +1 हो रहा है, +5 हो रहा है और +2 हो रहा है, तो 1, 5 और 2 का प्लस हो रहा है। राइट साइड से शुरू करेंगे, +1, +5 और कितना है, +2। ये इसका पिछला क्वेश्चन था। ओके, फिर हम देखेंगे कि कुछ 1 के अलावा कुछ और तो नहीं है, तो मुझे दिख रहा है 5 के सामने कितना है, 2 और 2 के सामने 5, तो 5 के नीचे 2 से डिवाइड करना है और 2 के नीचे 4 से डिवाइड करना है, ये हो गया। अब सॉल्व कर दो, 5 एकम 5 और 1 6, ये कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2 2 3 6, 3 का गुणा, 3 5 15 15 और 5 20, अभी भी कैंसिल हो रहा है, 4 एकम 4 और 4 5 20, इस 5 का गुणा 2 से, 5 2 10 10 में हम 3 प्लस करेंगे, 10 और 3 13, तो यहाँ आ जाएगा 13। इसको लिखते कैसे हैं, तो आपको पता है इसको लिखते हैं 13 उसके बाद 5, तो 13/5। पर हमने जो सॉल्व किया है ये बटे में है इतना दूर पूरा, मतलब इसे हमें सही करने के लिए पलटी करके लिखना होगा, 5/13, ये है इसका राइट आंसर। आपका भी शायद यही आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ये बहुत आसान तरीका है बनाने का, नहीं तो इसको बनाने में समय लगता है लोगों को ज़्यादा, तो इतना समय लगाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसको स्पीड बना सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं हम, ये इस बार शायद आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, मैं इसे हटा दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए, तो फिर से हम देखते हैं लास्ट में कितना है, 3/4, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, 3 और यहाँ पे 4। फिर क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है और 2 प्लस हो रहा है, तो सबसे पहले माइनस का 2 इसके ऊपर आएगा, उसके बाद प्लस का 1 यहाँ आएगा, उसके बाद प्लस का 2 यहाँ पे आएगा। इसके बाद देखते हैं कि 1 के अलावा कुछ और तो नहीं है, तो यहाँ तो 1 है, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस के सामने 1 है तो इसको मैं भाग दूंगा 1 से, यहाँ पे 2 के सामने 3 है तो इसको भाग दूंगा मैं 3 से। अब सॉल्व कर दीजिए, 4 2 8, 8 में से हमें 3 घटाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 4 2 8, 8 में से हम
तीन घटाएंगे कितना बचेगा, पाँच। पाँच से एक, पाँच को एक से भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब पाँच एकम पाँच, पाँच में चार जोड़ेंगे कितना होगा नौ, तीन से काटेंगे तीन तिया नौ, ये जो तीन आया है इसका गुणा इससे तीन दूनी छः, छः में हमें पाँच जोड़ना है, छः और पाँच ग्यारह, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ग्यारह बटे तीन, ठीक है। पर ये आंसर अभी नहीं है क्योंकि ये किस में था, बटे में था, हमें इसको पलटी करके लिखना है, तो होगा तीन बटे ग्यारह और ये हमारा राइट आंसर। इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर ना समझ आए तो वीडियो को आप रोक कर आप आराम से इसको देख देख कर बना सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा होगा प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट टू देखिएगा, ठीक है। एक आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आपको आंसर देना है, ये पॉइंट में बनेगा, ध्यान रखना, बिना डरे पॉइंट में बनने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाओगे तो ये सॉल्व होके इसका राइट आंसर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन का बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, उन सबको शाबाश, और इसी तरह तैयारी करते रहिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट PDF वगैरह डालते रहते हैं, और एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।